नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबरों में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वित्त मंत्री के पद के लिए जेनेट येलन को और व्हाइट हाउस के शीर्ष पद प्रबंधन एवं बजट कार्यकाल निर्देशक के रूप में भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को नामित किया है। वहीं अगर अमेरिकी सीनेट में इस पद के लिए टंडन के नाम की पुष्टि हो जाती है तो वह व्हाइट हाउस में प्रभावशाली प्रबंधन एवं बजट कार्यकाल की प्रमुख बनने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। टंडन वर्तमान में वामपंथी झुकाव वाले सेंटर ऑफ अमेरिकन प्रोग्रेस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल हो चुके ग्रेटर हैदराबाद के लिए चुनाव हैं। बीजेपी ने देश के किसी नगर निगम चुनाव में शायद इतनी ताकत नहीं झोंकी होगी जितनी वो हैदराबाद में झोंक रही है। इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में एंट्री लेकर इसे और हाई प्रोफाइल बना दिया है, जो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम बीजेपी और AIMIM के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में फिल्म एक्टर नागार्जुन और चिरंजीवी ने जुबली हिल पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी सभी लोगों से मतदान की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि घर में बैठे रहना, मतदान न करना और सरकार की आलोचना करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप पहले वोट कीजिए, तब सरकार पर सवाल उठाइए। उत्तर प्रदेश के जेलों में कैदी गायब हो रहे हैं। इन कैदियों को कोर्ट के आदेश पर पेरोल मिला, लेकिन वक्त बीतने के बाद भी कैदी वापस नहीं लौटे तो सरकार ने गिरफ्तारी अभियान चलाने का फैसला लिया है। कोरोना काल में जेलों में बंद बंदियों को पेरोल पर छोड़े जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके चलते उत्तर प्रदेश की उच्च अधिकारी प्राप्त समिति द्वारा 2000 से ऊपर बंदियों को प्रदेश की जेल से 8 सप्ताह की विशेष पेरोल पर रिहा किया गया था। उसके बाद भी 8-8 सप्ताह के लिए इस विशेष पेरोल को 3 बार बढ़ाया गया। कोरोना का असर कम होने और काफी वक्त बीत जाने के बाद 19 नवंबर को रिहा किए गए बंदियों को 3 दिन के अंदर कारागार में दाखिल होने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में वर्तमान में पेरोल पर रिहा हुए बंदियों को फिर से जेल में दाखिल कराया जा रहा है। रिहा किए गए 2000 से ऊपर बंदियों में से पेरोल के दौरान 4 की मौत हो गई। इनमें से 136 की अंतिम रूप से रिहाई हो गई है और 56 अलग वार्ड में जेल में निरुद्ध हैं। और आलम यह है कि पेरोल पर रिहा हुए बंदियों में से कुल 693 बंदी ही अलग अलग जेलों में वापस आए हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान हुए। यूपी के 75 में से 72 सीटों में खंड स्नातक की 5 और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों के लिए वोट डाले गए। यह मतदान सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच हुए। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव में वोटिंग हुई। मतदान के लिए हर बूथ पर मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर्स के साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। थर्मल स्कैनर्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 11 ऑब्जर्वर को लगाया गया है। इसके साथ ही हर पोलिंग बूथ पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया गया है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों से और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ी बीजेपी के लिए यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वह विधान परिषद में भी संख्या बल बढ़ाना चाहती है। एसपी ने सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं स्नातक निर्वाचन खंड की 1 सीट पर बीजेपी ने शिक्षक संघ के प्रत्याशी को समर्थन दिया है तो एक अन्य सीट को छोड़ दिया है। दोनों दलों के लिए शिक्षक संगठनों के प्रत्याशियों की बीच कड़ी टक्कर है। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।